हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स लैब। आज के इस वीडियो में हम स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस देखेंगे और स्पॉटिंग द एरर में जो एडजेक्टिव्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना है ये हम पढ़ रहे हैं। और एडजेक्टिव्स के ऊपर जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करें आप एडजेक्टिव्स का जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था वो देख लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कमेंट में भी उसकी जो लिंक है मैं पिन कर दूंगा, तो वही आप पहले देखिएगा, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ताकि आप कोई पार्ट मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज का फर्स्ट टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। पिछले वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में से मैंने कुछ कवर किए थे, आज का जो टाइप होगा वो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स को आगे बढ़ते हुए या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और वो ये है, अगर हमारे पास पांच सिंगल रूम है, ठीक है, मतलब पहले पांच सिंगल रूम्स अगर मैं किसी गेस्ट को देना चाहूंगा तो वो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? द फर्स्ट सिंगल फाइव रूम्स, या फिर द सिंगल फर्स्ट फाइव रूम्स, या फिर फाइव फर्स्ट सिंगल रूम्स, या फिर द फर्स्ट फाइव सिंगल रूम्स। ठीक है, अब जो तीन सेंटेंस रेड कलर में दिए है वो तीन सेंटेंस रॉन्ग है और जो ग्रीन में दिया हुआ सेंटेंस है वो सही है। ठीक है, अगर पहले तीन सेंटेंसेस गलत है और लास्ट वाला जो सेंटेंस ग्रीन में लिखा है वो अगर करेक्ट है तो इसके पीछे कोई ना कोई रूल जरूर होना चाहिए। तो वो रूल क्या है? तो अगर वो रूल सभी रूल्स आपको पता है तो डेफिनेटली अगर नया पैटर्न भी एग्जाम में आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकोगे अगर आपको रूल्स पता है तो। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसके पीछे क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव्स के टाइप्स देख लेते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स में दो टाइप्स आते हैं, पहला है डेफिनाइट और दूसरा है इंडेफिनाइट। ठीक है, तो डेफिनेट बोले तो निश्चित और इंडेफिनेट बोले तो अनिश्चित, इतना तो सभी को पता है। ठीक है, अब डेफिनेट में तीन टाइप आता है। फर्स्ट वन है कार्डिनल एडजेक्टिव्स, दैट मींस 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। बाद में आएंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, लास्ट में आएंगे मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव्स जो कि सिंगल डबल ट्रिपल, मल्टीप्लीकेशन है ना इसमें, देखो सिंगल डबल तो मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है, तो लेकिन इसकी ऑर्डर क्या होगी? अगर ये तीनों एडजेक्टिव्स मतलब कार्डिनल ऑर्डिनल और मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव्स ये तीनों एडजेक्टिव्स अगर हम एक ही सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं उसकी ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ डेफिनेट न्यूमरल्स, तो अगर ये तीनों एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्डिनल, उसके बाद में कार्डिनल और बाद में मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव्स आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट फाइव सिंगल रूम्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो है ऑर्डिनल हो गया, फाइव जो है कार्डिनल हो जाएगा और सिंगल जो है मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में ये फॉलो होने चाहिए तब आपका सेंटेंस कंप्लीटली एरर फ्री होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है अभी, द फर्स्ट फाइव सिंगल रूम्स ये सेंटेंस करेक्ट था और बाकी के तीनों गलत, तो ये इसका प्रूफ है और यही इसका रूल है कि पहले जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, बाद में कार्डिनल और उसके बाद में मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव्स आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया डेफिनेट न्यूमरल्स। ठीक है, अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स का जो दूसरा टाइप है इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट में मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी अ, सेवरल, वेरियस, न्यूमरस, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, ये सभी जो वर्ड्स है ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आते हैं। ठीक है, अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स में ये सभी वर्ड्स आते हैं, लेकिन मेरा एक कहना है कि अगर ऐसा एक सेंटेंस हो जाए कि जिसमें इंडेफिनिट न्यूमरल्स भी आ रहे हो और डेफिनेट भी आ रहे हो तो फिर उसकी ऑर्डर क्या होगी? ठीक है, तो उसकी ऑर्डर ये होगी जो कि आपको स्क्वायर शेप्ड जो बॉक्स है उसमें मैंने उसका रूल लिख के दिया है, इंडेफिनिट जो न्यूमरल्स है वो पहले आएंगे, बाद में आएंगे डेफिनेट न्यूमरल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, मैनी सिंगल रूम्स, तो इसमें मैनी जो है इंडेफिनिट न्यूमरल है और सिंगल जो है वो मल्टीप्लीकेटिव एडजेक्टिव्स में जाएगा डेफिनेट न्यूमरल्स में, तो पहले इंडेफिनिट वाला यूज करेंगे बाद में जो है डेफिनेट वाला यूज करेंगे। तो मैनी सिंगल रूम्स ये एक एग्जाम्पल हो गया, वेरियस सिंगल रूम्स ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स ये भी उसका ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए ये था फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स, तो ये हमारा दूसरा तीसरा टाइप कवर हो चुका है। उसके बाद में और एक टाइप देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होता क्या है?
ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मतलब जिसमें ये एडजेक्टिव्स जो है क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, क्वेश्चंस के स्वरूप में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स है विच, व्हाट, हुज, ये सभी वर्ड्स जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। तो विच बुक इज योर्स, ये एक एग्जांपल हो गया, विच इसमें यूज किया गया है जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट, हुज बुक इज दिस, ये सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल है। अभी इसमें जो व्हाट ये वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है। अब वो कैसा, अगर व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट ऐसा अगर मैं कहूं, या फिर व्हाट नॉनसेंस इज दिस ऐसा अगर मैं कहूं, तो ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क आएगा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, तो ये होगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन व्हाट नॉनसेंस दिस इज ऐसा अगर मैं कहूं, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और इसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है। तो एक ही ये जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है व्हाट, इसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इज दिस अगर आएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, और दिस इज जैसे व्हाट नॉनसेंस इज दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, तो इसके सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये था हमारा एडजेक्टिव का दो टाइप हमने देखे, जो कि न्यूमरल और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ये सभी जो आपके स्क्रीन पर है अभी, ये आठ इसके टाइप्स है, ठीक है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव पे तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे पूछे जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव पे पूछे जाते हैं, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने इसमें आज कवर कर लिया है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हमने, सॉरी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमने कवर कर लिया है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए आप ये सभी जो रूल्स है एक साथ में कहीं पे बल्क में आपके एक नोटबुक में लिख के रखिए, ताकि बाद में जब इसका क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो तो आपको वो रूल्स आसानी से ढूंढने में आसानी हो, या ढूंढने में आसानी हो, या फिर जल्द से जल्द मिले, ठीक है। तो ये सभी एडजेक्टिव्स मैं कवर करूंगा, और एडजेक्टिव्स ही नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, एडवर्ब, और भी बाकी जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सभी मैं इसमें कवर करूंगा इस प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल का नाम है बैंकर्स लैब।